हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और होली आ चुकी, मतलब अब आने ही वाली है एक दो दिनों में, और मैं अपने घर की सफाई वगैरह मैंने शुरू भी कर दी है, और मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी, तो सोचा आप सभी के साथ भी ये रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि जब त्यौहार आते हैं तब मैं अपने किचन और घर की क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। तो आज के वीडियो में तो सिर्फ किचन क्लीनिंग ही है। तो इसके लिए, किचन को क्लीन करने के लिए, सबसे पहले मैं पूरा किचन अपना खाली कर दूंगी, मतलब कि जितना हो सकेगा उतना सामान हटा दूंगी ताकि सफाई करते वक्त परेशानी ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें सामान रहेगा उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है सफाई करने में। और मेरे किचन में तो काफ़ी ज़्यादा सामान है, क्योंकि ये पूरा एक रूम टाइप का ही है जिसमें एक हिस्से में ये स्लैब बनी हुई है जहाँ मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, और बाकी का एक हिस्से में स्टोरेज की तरह यूज़ करती हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारी अलमारियाँ वगैरह हैं और काफ़ी सारी बाल्टी वगैरह जिसमें एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है। तो इसके लिए मैंने सारा सामान पहले हटा दिया है, और इसके बाद मैंने डंडा लेके जितना भी जाला वगैरह, वैसे ज़्यादा था ही नहीं जाला, लेकिन पपड़ी सी हो गई थी छत पे, क्योंकि बारिश वगैरह में फूल गई थी पुट्टी, तो उस वजह से थोड़ा सा पपड़ी वगैरह हो गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ पुताई हुए काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है, लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, पुताई तब से नहीं हुई है, पेंट वगैरह नहीं हुआ है घर में, तो इसी वजह से पपड़ी बनके थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है, बारिश की होता है तो सीलन आ जाती है। तो पहले मैंने वो सारा झाड़ दिया खूब अच्छे से, इसके बाद मैंने अपना किचन की जो पीछे हिस्से में अलमारियाँ वगैरह रखी हैं उनको पहले साफ़ किया था, और जो साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो वो क्लिप तो मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ। और इसके बाद भी आगे के हिस्से की मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, पीछे वाला हिस्सा मैं पूरा साफ़ कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से सफाई कर ली थी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग ये सब कुछ करते करते 1 बज चुका था और सभी लोगों के आने का टाइम होने वाला था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये सब साफ़ करी है। यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर ही बिछाती हूँ अभी, और कोई नहीं बिछाती, ये जितना मुझे गंदा लगता है जल्दी से मैं इनको चेंज भी कर देती हूँ, तो कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता है, फ्री में ही मेरा काम यहाँ हो जाता है। दिखने में थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं न्यूज़पेपर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए कितना गंदा, वैसे कालापन होकर गंदगी नहीं है, लेकिन वो रंग ही उसके इस तरह से हो गया, तो इस तरह से दिखता रहता है, तो मैं इस तरह से न्यूज़पेपर वगैरह लगा देती हूँ तो वो छिप जाता है। और यहाँ के न्यूज़पेपर तो हर 15-20 दिन में चेंज होते ही रहते हैं। और ये देखिए अलमारी वगैरह सब साफ़ हो गई, ऊपर का सब साफ़ हो चुका, जितनी भी ये फ्रिज अलमारी आप सामने अलमारी देखिए सब साफ़ कर चुकी हूँ, सिर्फ फर्श भी मैंने झाड़ू लगा दी। इसके बाद ये स्लैब मैंने अच्छे से पोस दिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये टाइल्स वगैरह रोज़, मेरा रूटीन का है कि मैं रोज़ इसको क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे यही एक फ़ायदा मिल जाता है कि इन्हें क्लीन करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है अपना। तो वो सब क्लीन करने के बाद सभी लोगों के संग खाना पीना खाया, फिर थोड़ा सा आराम किया, लेट गई नहा धो के, और फिर ये अब शाम का समय है, तो ये वाली अलमारियाँ मैंने नहीं साफ़ की थी, रैक वगैरह, तो शाम को मैं ये वाला काम करने लगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, ऊपर से पूरा एक एक सामान हटा के साफ़ किया था, बहुत टाइम चला गया था। तो अब जितना भी यहाँ पे पन्नियों में सामान है जो थोड़ा थोड़ा डब्बों में भरना है, तो मैं यहाँ भर दूँगी ताकि सामान मिल जाए आसानी से, और जब इस तरह से सफाई करते तो अक्सर हमें एक्स्ट्रा सामान मिलता ही रहता है। और जो मसाले वगैरह है जो मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि यहीं खाना बनाती हूँ, इसी में रखती हूँ, तुरंत निकाला तुरंत डाला, तो दिक्कत नहीं होती ढूंढने का इसमें, ज़्यादातर काली मिर्च हुआ, छोटी इलायची हुई, मेथी, जीरा, इस तरह का ही सामान इस वाली ड्रोन में मैं रखती हूँ। और ये बिल्कुल गैस के ही नीचे है बनी हुई है, और यहाँ पे बाकी के और डब्बे वगैरह हैं जिसमें सामान जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, जैसे दाल वगैरह हुई और बढ़िया वगैरह हुई, इस तरह के सामान यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि समस्या ना हो और सब क्लीन हो जाए। और इस वैसे तो रोज़ ही सफाई होती है, पर कुछ सफाई कभी कभी होती है, और यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी मैंने सारे डब्बे निकाल के ही साफ़ किया है। और दाल वगैरह में जब धूप निकलनी शुरू हुई थी जनवरी में, तभी मैंने ये दाल वगैरह सब सुखाई थी, लेकिन फिर भी आज जब इसको साफ़ कर रही हूँ तो चेक करती जा रही हूँ कि कोई हिस्सा, मतलब कि कोई दाल वगैरह ख़राब ना हो रही हो, अगर हो रही हो तो उसको धूप में डाल दूँ, तो दाल वगैरह मेरा सब सही था, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था।
और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे अपना सारा सामान सेट कर दिया है, और जो डिब्बे मेरे खाली होने वाले थे तो उनको मैंने खाली भी कर लिया अच्छे से, क्योंकि अब होली पे ज़्यादातर सामान वगैरह जो बनेगा तो रखने के यूज़ में आ जाएंगे। घर में वैसे भी चाहे जितने भी डब्बे हों वो कम ही पड़ते रहते हैं, इतना सामान हो जाता है कि कितना भी डब्बे आप चाहे खरीद के लाओ, चाहे कितना भी इकट्ठे करते रहो, पर वो डब्बे कम ही पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए ऐसे पन्नियों में रह ही जाता है, कभी भी इन सब चीज़ों की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। और ये होली का कुछ सामान आया है, जैसे मैदा हुआ, बेसन हुआ, मेवा हुई, ज़ीरा हुआ, साबूदाना है, मूंगफली है, रवा है, तो ये पापड़ वगैरह है, तो ये सारा सामान आया हुआ है। काफ़ी सामान पहले भी आ चुका है और ये इतना सारा सामान फिर आया है। और अभी ये क्लीनिंग वगैरह काम निपटाने के बाद मैं संडे से ये सारा बनाना शुरू कर दूँगी, सामान खुरमे वगैरह वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारा सामान रहता है बनाने के लिए, तो एक दिन में होना बनाना मुश्किल होता है। और फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है, ये मैंने धुला नहीं था तो दूसरे दिन धुला है, तो ये सब सूख गई थी पन्नियाँ मेरी, तो इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसके बाद अब यहाँ पे भी सेट कर दूँगी ताकि सारा काम मेरा यहाँ का ख़त्म हो जाए। और जितने भी ये कपड़े हैं मैं रोज़ क्या नाम है महीने दो महीने में धुलती हूँ, जब मुझे लगता है गंदे हो गए तभी धुलती हूँ, और जब त्यौहार वगैरह होता है तब तो ये धुलने निश्चित ही होते हैं। तो इन सबको धुल के मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। इस दिन तो सिर्फ कुछ भी काम नहीं बचा था, सिर्फ यही कपड़े लगाने का ही काम था, जो मैं इनके ऊपर बिछाती हूँ बस उन्हें बिछाना था। तो ये सब मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर दूँगी तो ताकि मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो जाए। और ये जो अलमारी आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर की, इसी को साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बर्तन वगैरह हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जो साल में एक दो बार ही निकलते हैं, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, तो बस वही सब इसमें भरे हुए हैं एक्स्ट्रा बर्तन, तो एक एक बर्तन को निकाला पूरा साफ़ किया, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम मेरा चला गया था। और इसको जब भी साफ़ करती हूँ तो टाइम मेरा एक्स्ट्रा ही जाता है। और यहाँ पे भी मैं सिर्फ न्यूज़पेपर ही बिछाऊंगी, और इसके के ऊपर मैं अपना ओवन और क्या नाम है मिक्सी रख दूँगी। और ये मेरे यहाँ रखने की वजह है क्योंकि जो पॉइंट दिए गए हैं वो इसी जगह पे हैं और किचन में कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक इकलौता यही है, तो इसी वजह से मुझे ये सारे सामान यहीं रखने पड़ते हैं, तो फ्रिज हुआ, ओवन हुआ, मिक्सी भी सब यहीं पर रखे हुए हैं। और देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन होने के बाद किस तरह से लग रहा है, ये सारे डब्बे और जितने भी छन्ने वगैरह हैं मैंने सब धुल दिए थे, बहुत टाइम चला जाता है ये सब काम करने में, पर काम करने के बाद जो देखने के लिए रिज़ल्ट आता है, जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है वो देख के मन खुश हो जाता है कि फैन की सारा काम अच्छे से निपट गया है, और देखने में ही कितना क्लीन और कितना अच्छा लगने लगता है। घर मेहनत तो लगती है पर सफाई हो जाती तो घर और भी देखने में अच्छा लगता, वो सामने सब मैंने साफ़ कर दिया है, इन सब में सारा एक्स्ट्रा सामान ही भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा मेरा वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।